वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं ताहिरा अली। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। आईजी पंजाब इनाम गनी ने सरकी नौशहरा खुशाब में छुरियों के वार से दो अफराद के कत्ल का नोटिस ले लिया। आरपीओ सरगोधा से वाकये की रिपोर्ट तलब। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। आईजी पंजाब शिकायत सेल 8787 का नंबर तब्दील करके 1787 कर दिया गया है। पुलिस से मुतल्लिक किसी भी किस्म की शिकायत हो तो फौरन आईजी पंजाब शिकायत सेल 1787 से राब्ता करें। गाली मार्केट लाहौर पुलिस का 15 की कॉल पे बरवक्त एक्शन। लोगों को असलहा के जोर पे डराने धमकाने वाले दो मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से राइफल, पिस्टल और गोलियां बरामद। नसीराबाद लाहौर पुलिस ने एक कैटेगरी का मफरूर इश्तहारी मुलजिम अहमद अलियास गिरफ्तार कर लिया। इश्तहारी मुलजिम डकैती और राहजनी के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सदर रिवीजन लाहौर ने दो गुमशुदा बच्चे तलाश कर लिए। 14 साल सफियान और 4 साल उम्र खालिद गुम हो गए थे। गुमशुदा बच्चों के वालदैन ने थाना मांगा मंडी में अगवा के मुकदमात दर्ज करवा रखे थे। पुलिस रिस्पांस यूनिट मॉडल टाउन डिवीजन लाहौर की कार्रवाई। पीआईयू ने मशकूक रिक्शा से खातून समेत 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान खातून की आड़ लेकर मनशियात सप्लाई और फरोख्त करते थे। मुलजमान के कब्जा से दर्जनों हीरोइन के टोकन और कैश बरामद। मुकदमा दर्ज। थाना रजाबाद फैसलाबाद का जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजमान आसिफ, सरफराज और नसीर जुआ खेलते गिरफ्तार। दाव पे लगी रकम 25,600 रुपए और मोबाइल फोन बरामद। मुलजमान के खिलाफ थाना रजाबाद में मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने ककरी कलां मीरापुर में डकैती की जगह का मुआयना किया। उन्होंने मुलजमान को जल्द अज जल्द ट्रेस करने के हवाले से अहम हदायत भी दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने कहा है कि जल्द ही मुजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा और करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। साहिवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना गाजियाबाद अली हसन काजमी ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुजमान के कब्जा से 1,000 रुपये नकदी, नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस।